नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल मनी नेस्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपने अगर निप्पॉन म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू निवेश कर रखा है और आप उसको रिडीम करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं। दरअसल मुझे अपना कुछ फ़ंड है जो कि रिडीम करना है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो में बना देता हूँ कि आप लोगों के लिए भी वो फ्यूचर में या जब भी आप रिडीम करना चाहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है निप्पॉन म्यूचुअल फंड, और कुछ आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे देखिए पैन कार्ड मांग रहा है और नेक्स्ट करने को बोल रहा है। ये दरअसल जब आप नया होंगे तब आपके लिए ये ऑप्शन होगा, और क्योंकि आपने अगर पहले से लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह बना रखा है तो आपको गो टू लॉगिन यहाँ पर क्लिक करना होगा, और नहीं बना रखा होगा तो रजिस्टर करना होगा। तो चलिए क्योंकि मैंने यहाँ बना रखा है तो गो टू लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या कर रहा है, ये आपकी यूज़र आईडी मांग रहा है, आपका पासवर्ड मांग रहा है, और तीसरी चीज़ ये कैप्चा मांग रहा है। ठीक है, तो जो यूज़र आईडी दोस्तों होती है वो आपका बेसिकली इसमें होगी आपका जो जीमेल है वो भी कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ डालेंगे तो वो आपकी यूज़र आईडी होगी, और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं डाल देता हूँ फिर आपके सामने आता हूँ। तो दोस्तों जो भी डिटेल इन्होंने मांगी थी वो हमने फिल कर दी है। फिल करने के बाद में अब आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ये मैं लैंडस्केप में बना रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा है कि गलत है, इसको मैं फिर से डालता हूँ। चलिए अब की लॉगिन करके देखते हैं कि हमारी डिटेल सही है कि नहीं, और ये लॉगिन हो रहा है। दोस्तों जब इसको आप पोर्ट्रेट वे में अगर करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दिखने में दिक्कत होगी, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मोबाइल को लैंडस्केप में चलाइएगा या फिर डेस्कटॉप वर्जन में खोलिएगा, तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा जो भी थोड़ा बहुत इसमें निवेश है जिसको कि मैं रिडीम करना चाहता हूँ, तो यहाँ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखा रहा है, करंट वैल्यू दिखा रहा है, और यहाँ एब्सोल्यूट परसेंटेज है ये। इस परसेंटेज का कोई खास मतलब नहीं रहता है जब आप SIP करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर देखिए फोलियो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नाम है और यहाँ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो अब रिडीम का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो ये बताएं हम लोग इसके बारे में, हम लोग वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ये जो फोलियो लिखा हुआ है ना, ये फोलियो नंबर और ये प्लस वाला निशान, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको अब भी देखिए छुप गया है वो चीज़ें नीचे की ओर जब आएंगे तब होगा, और ये ऊपर वाला चीज़ ना इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, ये जहाँ पर इधर की ओर एरो लगा करके डिस्टर्ब करता है। ठीक है, वो किनारे चला गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सारा खुल के आ गया है। जो भी मेरा ये फ़ंड था निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड था, एक समय ये काफ़ी अच्छा टैक्स सेवर फंड माना जाता था। आपको पता होगा ELSS में जब आप निवेश करते हैं तो ATC के तहत हमें छूट मिलती है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई, करंट वैल्यू हो गई, बैलेंस यूनिट ये देखिए, इसको ध्यान रखिएगा कि बैलेंस यूनिट कितनी है और कितनी यूनिट अवेलेबल है रिडीम करने के लिए, क्योंकि ये मेरा ELSS है तो यहाँ ये चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। जो भी आपका ELSS फंड होगा आपको पता होगा कि इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, और जब 3 साल वो कंप्लीट हो जाता है तभी आप उसको रिडीम कर पाएंगे। और 3 साल कैसा, जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी में मेरा 1000 की SIP गई तो इस जनवरी वाले का 3 साल होना चाहिए, ऐसे ही फरवरी जाएगा तो उस फरवरी वाले किस्त का 3 साल होना चाहिए तभी आप रिडीम कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा बैलेंस यूनिट दिख रहा है, और यहाँ पर ये XIR रिटर्न परसेंटेज में दिख रहा है 10.78%। तो जब भी SIP करते हैं हम लोग तब हमें ये XIR जो रिटर्न है हमारा इसे ही देखना चाहिए। इस समय यहाँ पे NAV दिखा रही है। ठीक है, अब इसका जो अगला वाला ऑप्शन यहाँ ट्रांजिट है, यहाँ जब हम अभी क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि रिडीम का ऑप्शन मिल जा रहा है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारी बैलेंस यूनिट कितनी है, 81.967 है। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिट वाले पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन से आगे क्या क्या आ गए हैं, परचेज का आ गया, स्विच का आ गया, रिडीम का आ गया। तो हमें क्योंकि रिडीम करना है तो हम रिडीम वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। चलिए रिडीम वाला ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया, और ये कुछ हो रहा है प्रोसेसिंग। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कह दिया नो कंटिन्यू रिडीम, मुझे मतलब करना है, यहाँ करें स्विच कर दीजिए या रिडीम करना है तो हमें भाई रिडीम करना है तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं।
ठीक है। अब ये आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं, रिडीम टाइप क्या है, लमसम है कि SWP है, ठीक है। और यहाँ अमाउंट में आप करना चाहते हैं कि यूनिट्स में करना चाहते हैं, या यहाँ पे रिडीम वैल्यू आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरी फ्री यूनिट्स उतनी ही दिखा रहा है, 81.967, यानी कि जितना भी मेरा निवेश था ELSS में वो सारा ही मैं पहले भी इसमें निकाल चुका हूँ, जितना फ्री यूनिट्स होती जाती थी मैं निकालता जाता था, तो ये सारा मेरा यूनिट फ्री है और ये सारा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं चूज़ करने वाला हूँ यहाँ यूनिट्स पर, ये यूनिट्स पर, ठीक है। अब यूनिट्स पर जैसे ही हमने चूज़ किया है तो अब ये क्या पूछ रहे हैं, आपको फुल करना है, मतलब जितनी भी यूनिट है आपकी फ्री है वो सारा आप लेना चाहते हैं या पार्शियली लेना चाहते हैं, कि मान लीजिए कि 200 या 1000 यूनिट है तो हम 100, 200 या जितनी यूनिट आप लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फुल वाला चूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पूरा करना है। जैसे ही देखिए हमने फुल पे क्लिक किया है, वैसे ही रिडीम यूनिट ये पूरा लिख करके आ गया है, क्योंकि जितनी भी मेरे यूनिट्स थी वो सारी फ्री हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर आपका बैंक दे रखा होगा, जो बैंक आपने उसके साथ में अटैच किया होगा, लिंक किया होगा, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से हटाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन कर रहे हैं ट्रांजिट यूजिंग पिन और ट्रांजिट यूजिंग OTP, तो हम यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, अब क्या आता है देखते हैं आगे। OTP हैज़ सेंड टू द अकाउंट होल्डर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। चलिए भाई अब यहाँ पर OTP डाल देंगे, OTP आने दीजिए। चलिए OTP आ गया है और OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं, डाल के हमने इसको आगे बढ़ा दिया है। ये जो ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं ये तिकोर वाला, यहाँ पर क्लिक किया और ये आगे बढ़ रहा है। अब क्या जाता है, अब देखिए जो भी चीज़ें हैं क्या आई हैं, रिडिम्पशन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स दिखा रहा है, जितने यूनिट्स के लिए हमने रिडीम किया है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन रेफरेंस ID हमारा दिखा रहा है और ट्रांजेक्शन डेट एंड टाइम दिखा रहा है। अब गो टू पोर्टफोलियो, तो इसमें मेरा कुछ अब पोर्टफोलियो बचा नहीं है, वहाँ जाने का कोई हमारा मतलब नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी निप्पॉन का म्यूचुअल फंड के, आप अगर SIP को आप रिडीम करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये एक छोटी सी जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की है। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।